الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور حاضرین جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی تعریف اور توصیف اور ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات کی ہر ایک عبادت ہر قسم کی ریاضت اور بندگی اور ہم اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی کوشش جو بندگی کے ساتھ جذبے سے ہم کرتے ہیں اس کی اکیلی اور تنہا مستحق ذات ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں پورا اترنے کے لیے کوشش کرتے رہنا محنت کرتے رہنا ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے آپس میں مقابلہ اور مسابقہ رکھنا ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے اہم کام اور سب سے بڑا کارنامہ ہے حاضرین جمعہ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ خطبات جمعہ میں میں نے ہماری اور آپ کی عبادتوں سے متعلق بہت ساری باتیں رکھی بنیادی طور پر ہم نے یہ مسئلہ سمجھا ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کی اصلاح اگر کر پائیں تو ہماری اور آپ کی عبادتوں کی اصلاح ہمارے اور آپ کے اعمال کی اصلاح کی بنیاد بنے گی ہمارے پاس خلل ہے کمزوری ہے کمی ہے کوتاہی ہے
हमारे अखलाक में कमी है, हमारे मुआमलात में खलल है, हमारे पास गुनाह हैं, हमारे पास अल्लाह ताला की नाफरमानियां हैं। इस गुनाहों और कोताहियों वाली जिंदगी से निकलकर अल्लाह ताला की बंदगी वाली जिंदगी की तरफ हम वाकई मानों में बढ़ना चाहते हैं तो इब्तिदा हमारी और आपकी ईमान और अकीदे की इस्लाह के बाद इबादतों की इस्लाह से होनी चाहिए। हमारी और आपकी इबादतें जिस कदर ज्यादा खलल से पाक होंगी, शरीयत के मेयार पे पूरी उतरने वाली होगी, सुन्नत से मुताबकत रखने वाली होंगी, इखलास में कमाल के दर्जे तक पहुंचने वाली होंगी, उसी कदर ये इबादतें मेरी और आपकी इस्लाह में, मुझको और आपको सुधारने में अपना किरदार अदा करेंगी। इसलिए आप हजरात और ख्वातीन के सामने, आप सामईन हाजिरीन के सामने, गुज़श्ता जुमात के अंदर मैंने ये पहलू रखा था कि हमारी इबादतों में अलग अलग एतबार से खलल पाया जाता है, कमी पाई जाती है। इस खलल से हमारी इबादतों का पाक होना जरूरी है। जब इबादतें खलल से पाक होंगी तो अल्लाह के पास आला दर्जे की इबादतें भी बन पाएंगी और फिर वो इबादतें मेरी और आपकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, सुबह शाम के जो मामूलात हैं, हमारे और आपके जो मुआमलात हैं, हमारे और आपके जो अखलाक हैं, इन पर असरअंदाज होंगी ये इबादतें। इस सिलसिले में अब तक आपके सामने बहुत सारी बातें रखी हैं कि कहां कहां हमारी इबादतों में खलल पाया जाता है। आज उसी सिलसिले को जारी रखते हुए दो बड़ी अहम बातों का तज़किरा करके इस मसले, इस सिलसिले को मैं खत्म करना चाहता हूं। हाज़िरीन गिरामी, हमारी इबादतों में जो खलल पाया जाता है उनमें से एक अहम खलल यह है कि हम कुछ इबादतों को हमने मुंतखब कर लिया है या यूं समझिए कि हमारी आदत बन गई है, अब हम उसी पर जम गए, उससे आगे मजीद इबादतें अपनी जिंदगी में लाना, इबादत में और आगे बढ़ने की कोशिश करना, उसकी फिक्र करना, यह बात हमारे जहनो दिमाग ही से खारिज है। कोई हम में से फराइज का सिर्फ पाबंद है, वो सिर्फ फराइज तक रुका हुआ है। कोई अगर सुन्नतों में से कोई मखसूस फजर की सुन्नत, ईशा की सुन्नत, अगर उसका पाबंद है, वहीं रुका हुआ है, उससे आगे बढ़ने का ख्याल उसके दिलो दिमाग में नहीं। और इबादतों में भी अलग अलग किस्म की इबादतें हैं, तरह तरह की इबादतें हैं। अगर हमने किसी एक शक्ल की इबादत को अपनी जिंदगी में अपनाया है तो हम उसी पर रुके हुए हैं, उससे आगे बढ़कर दीगर जो इबादतें इस्लामी शरीयत में मशरू करार पाई हैं, उन इबादतों के अपनाने के सिलसिले में हमारे अंदर कमी है, कोताही है या तवज्जो नहीं है। यह सूरत हाल कि कुछ मुंतखब इबादतों को अपनाकर अपने आप को सिर्फ उसी तक महदूद कर लेना और बकिया इबादतों के बारे में यह तसव्वुर कर लेना कि गोया हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, यह इबादत में खलल की एक शक्ल है, इबादत में कमजोरी का एक मुजाहरा है, हमारी और आपकी इबादत में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी कमी है। आप ये बात याद रखें, इस्लामी शरीयत ने हम और आप पर कुछ इबादतों को फर्ज करार दिया और बहुत सारी इबादतों को मसनून यानी सुन्नत और मुस्तहब करार दिया। जो फर्ज हैं वो कम हैं और जो मसनून दर्जे की इबादतें हैं वो ज्यादा हैं, उनकी तादाद भी ज्यादा है और उनकी कैफियत भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो आई है वो बहुत ज्यादा लंबी लंबी नमाजों वाली है, लंबी लंबी कैफियतों वाली है। हमारी और आपकी जिंदगी में होना यह चाहिए कि एक मुसलमान की हैसियत से सबसे पहले तो फराइज जो हम पर आयद हैं, चाहे वह नमाज की शक्ल में हो, रमजान के रोजों की शक्ल में हो, या फिर वाजिबी जकात की शक्ल में हो, या वाजिबी हज के शक्ल में हो, जो फराइज अल्लाह ताला ने हम पर आयद किए या कुरान का उतना हिस्सा के जिससे हमारी और आपकी इबादत हो सकती है, यह वाजिब है, यह फर्ज है, यह हर मुसलमान की जिंदगी में लाजिमी तौर पर होनी चाहिए, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी पर रुक जाना एक अच्छे मुसलमान की अलामत नहीं। हमारी और आपकी जिंदगी ही एक मुजाहदा, एक कोशिश है कि हम अल्लाह ताला की बंदगी में कितने कमाल को पहुंच सकते हैं। होना यह चाहिए कि जहां तक हम कर रहे हैं उस पर अल्लाह के शुक्रगुजार रहें, उसकी हिफाजत करें, उसमें खलल आने ना दें, लेकिन उससे आगे बढ़कर हम और आप इबादत करने की कोशिश करें। अब यह इबादत में और आगे बढ़ने की जो बात है वो दो तरह से हो सकती है। एक ये
कि जो फर्ज हम अदा कर रहे हैं उसी फर्ज की कबील की जो सुन्नतें हैं उनकी तरफ हम तवज्जो दें। मिसाल के तौर पर पंच वक्त नमाजों के हम पाबंद हैं, हमारी और आपकी जिंदगी में अल्लाह के फजल करम से बहुत बड़ा खैर, लेकिन आदमी यहीं पर न रोके, इससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी एक बद्दू आया, आकर उसने पूछा अल्लाह के नबी मुझ पर क्या बातें फर्ज हैं या मुझे क्या बातें किन की पाबंदी करनी चाहिए। नमाजों का तज़किरा करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंच वक्त नमाजें उसे बताई। उसने पूछा हल अलैया गैरुहा, अल्लाह के नबी ये पांच वक्त की जो नमाजें इनके अलावा भी कोई चीज मुझ पर फर्ज है। अल्लाह के नबी ने कहा इल्ला अन ततवा, कहा कि नहीं फर्ज तो बस यही पांच हैं, इसके बाद मजीद अगर तुम नफिल पढ़ना चाहो तो ये खैर की बात है, ये अच्छी बात है। हदीस लंबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस के इख्तिताम पे फरमाया, वो आदमी वापस पलट कर जा रहा था, अल्लाह के नबी ने कहा अफलह रजुल इन सदक, ये आदमी कामयाब हो जाएगा अगर अपने कहे हुए वादे को निभा ले जाएगा। फराइज की पाबंदी एक मुसलमान की जिंदगी में पूरी होनी चाहिए, कोई खलल नहीं होना चाहिए, लेकिन सुन्नतों और नवाफिल की बड़ी अहमियत, सुनन और नवाफिल की बड़ी फजीलत, हमारी और आपकी जिंदगी में उसके लिए हिर्स होना चाहिए, उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। हम और आप कोशिश करें कि जितनी सुन्नतें हो सकते हैं पढ़ें, आप मस्जिद में पढ़ सकते हैं पढ़ें, लेकिन सुनन और नवाफिल का घरों में पढ़ना ज्यादा अफजल है। आप अगर अपने घरों से पढ़कर आते हैं और वापस जाकर अपने घर में नमाज अदा करते हैं, ये बड़ी फजीलत वाली बात है, लेकिन अगर आपको इसका अंदेशा है कि मस्जिद से निकलने के बाद आपको सुन्नत पढ़ने का मौका नहीं मिल पाएगा, गफलत हो जाएगी, तो फिर मस्जिद ही में पढ़ें, बिल्कुल जायज, लेकिन ये कोशिश जरूर होनी चाहिए कि हम फराइज से आगे बढ़कर सुन्नतों में आगे बढ़ेंगे। और सुन्नतों में सुनन रवातिब की सबसे ज्यादा फजीलत है, 12 रकात जो सुबह से शाम तक की पंच वक्त नमाजों से जुड़ी हुई, उनकी अहमियत फराइज के बाद है। उसके बाद सुन्नत गैर मुअक्कदा के दर्जे की नमाजें हैं। हम और आपको अपनी जिंदगी में मरहलावार थोड़ा थोड़ा करके तरक्की करना चाहिए, हमें उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी और आपकी जिंदगी में इबादतों के सिलसिले में ये जो तरीका है कि हमने अपने आप को फराइज का पाबंद बना लिया और वहीं रुक से गए हैं, ये रुक जाना नहीं है, हकीकत में बंदगी में अपने आप को महदूद करके एक मुकाम पर रोक लेना है। हम और आपको उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलातो वसलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यानी ये हदीस कुदसी है कि अल्लाह ने फरमाया وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ, कोई भी अमल करके बंदा अगर मुझसे करीब होता है तो फराइज के अदा करके मुझसे करीब होने पे मुझे जितनी खुशी होती है, कोई और अमल करके वो मुझसे करीब हो तो उतनी खुशी मुझे नहीं होती। फराइज अल्लाह के सबसे महबूब बंदे बनाने वाला अमल है, अल्लाह का चहीता बंदा बनाने वाला अमल है, लेकिन अल्लाह के नबी ने आगे ये भी बयान फरमाया कि अल्लाह ने साथ में ये भी कहा वला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बा, बंदा फराइज अदा करने के बाद फराइज के साथ नवाफिल का भी एहतमाम करता है, सुन्नतों की पाबंदी करता है। तो होता क्या है, सुन्नतों की पाबंदी करने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला से कुर्बत नसीब होती, बंदा अल्लाह से करीब होता जाता है, और जब बंदा अल्लाह से करीब होता जाता है तो वो मुकाम भी आता है जहां अल्लाह तबारक व तआला बंदे से मोहब्बत करने लगता है। दूसरे अल्फाज में आप यूं कहिए कि बंदा अल्लाह ताला का वली बनता है, अल्लाह ताला का वली बनता है फराइज के बाद सुन्नतों की अदायगी से अल्लाह का मुकर्रब बंदा करीबी बंदा बनता है। हमारी जिंदगियों का ये जो तर्ज अमल है कि हमने अपनी जिंदगी में एक रूटीन बना लिया, एक मामूल बना लिया, एक चीज फिक्स कर ली है, तय कर लिया, उससे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, इस सूरत हाल को हम और आपको बदलना चाहिए। हम और आपको बदलना चाहिए कि हमारी जिंदगी भी ये इबादतें आए, सबसे पहले फराइज, फराइज के बाद सुनन रवातिब हैं, और सुनन रवातिब के बाद सुन्नत गैर मुअक्कदा के दर्जे की इबादतें हैं, और उसके बाद भी अगर अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दी है, इस्तेआत दी है और फुर्सत भी है दीगर जिम्मेदारियों के साथ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मुताबिक कि अइन्नी अला ज़ालिका बिकसरति सुजूद, कसरत से नवाफिल भी पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए।
कुरान के सिलसिले में भी यही कि हम और आप वाजिब यह है कि इतना कुरान, इतनी सूरतें, दो चार सूरतें कम से कम याद हों कि जिनसे हम और आप अपनी इबादतों को अंजाम दे सकें। लेकिन उसी पे नहीं रुक जाना है, जैसे हम में से आम लोगों का माहौल है, जो सूरतें हमने बचपन में याद की थी आज बड़े होकर 40 साल 50 साल 60 साल के होकर भी हमारे पास कुरान का उतना ही हिस्सा, उससे आगे हमने बढ़कर कुरान पढ़ने सीखने और उसको इबादत के तौर पर पढ़ने की कोशिश हमने नहीं की। दुआओं के नाम पे, जिक्र के नाम पर गिनी चुनी चंद दुआएं हमने याद कर ली थी, आज उसी पर रुके हुए। अल्लाह ताला के जिक्र के लिए हमारे पास मजीद दुआओं को याद करने का एहतमाम नहीं। यह हमारी और आपकी जिंदगी में इबादत में पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा खलल है। इसलिए सबसे पहली बात, खलल की शक्ल को हम और आपको दूर करना चाहिए कि हमने एक तरफ तो फराइज पर अपने आप को रोक लिया है, हर किस्म की इबादत में से जो नफिल के दर्जे की इबादतें, फराइज के अलावा जो इबादतें, उन इबादतों में आगे बढ़ने की दिन ब दिन कोशिश करते रहनी चाहिए। और दूसरी शक्ल यह है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इबादत करते हैं अल्लाह ताला की तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इबादतों में वो एक इबादत नमाज को सिर्फ नमाज इबादत समझते हैं। इस्लामी शरीयत की नजर में इबादत सिर्फ नमाज नहीं है, नमाज के अलावा दीगर भी इबादतें हैं, नमाज के अलावा दीगर भी इबादतें, इबादतों की जो अलग अलग शक्लें हैं, हर तरह की इबादत को हम और आपको अपनाना चाहिए। नमाज इबादत है, सबका तो खैरात इबादत है, अल्लाह की राह में जिहाद इबादत है, रोजा रखना इबादत है, हज करना उमरा करना ये इबादत है, कुरान की तिलावत करना इबादत है, दुआओं का एहतमाम करना इबादत है, जिक्र अजकार करते रहना इबादत है, किसी बंदे को नेकी का हुक्म देना इबादत है, इल्म हासिल करना इबादत है। इबादत की कितनी शक्लें हैं, में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये समझ लिया है कि हम जो इबादतें नमाज की शक्ल में करते हैं वो काफी है। ये भी खलल है। देखो याद रखो, इंसानी तबीयत है कि एक जैसा अमल अगर करती रहती है बहुत ज्यादा दिन तो बसा औकात तबीयत में एक किस्म की बेजारगी पैदा हो जाती है। उसका हल कैसा है, मैं इबादत नमाज की शक्ल में कर रहा हूं, अब तबीयत नमाज कर की पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इबादत कर रहा हूं, तो आप अपनी तबीयत बदलने के लिए आप कुरान की तिलावत की तरफ आ जाइए। कुरान पढ़ते पढ़ते आपकी तबीयत सैर हो जाती है तो आप उसके बाद जिक्र अज़कार की तरफ आइए। इस्लामी शरीयत ने हमें सिर्फ एक इबादत करने का हुक्म नहीं दिया, तरह तरह की इबादतें बतलाई हैं, हर किस्म की इबादत में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हां यह जरूर होता है कि किसी बंदे को नमाज में ज्यादा दिल लगता है, किसी को कुरान पढ़ना ज्यादा पसंद होता है, किसी बंदे को जिक्र अज़कार में लगे रहना ज्यादा पसंद होता है। आप कोई एक इबादत ज्यादा करें, कोई एक कम करें, कोई हरज की बात नहीं। नफिल इबादत में आपको इख्तियार है कि जो आपकी तबीयत आपके हालात के हिसाब से जो ज्यादा आपको करीबी लगे उस पर आप मेहनत करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही किस्म की इबादत को पकड़कर बैठे रहें, बकिया किस्म की इबादतों से दिलचस्पी ना रखें। इल्म हासिल करना, कुरान सीखना पढ़ना, उसका एहतमाम करना, दुआएं याद करके कसरत से दुआओं की पाबंदी और एहतमाम करना, ये जो इबादतों की शक्लें अलग अलग हैं ये भी हमारी और आपकी जिंदगी में आनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने जन्नत का तज़किरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जो नमाजों में बहुत आगे होगा अल्लाह ताला उसे नमाज के दरवाजे से जन्नत में आने की दावत देंगे, जो जिहाद में बहुत आगे होगा उसे जिहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो रोजे रखने वाला होगा उसे रोजे के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो सदका व खैरात करने वाला होगा उसे सदका व खैरात के दरवाजे से बुलाया जाएगा। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने यह कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सवाल किया। ये एक मोमिन का सवाल होता है, ये एक मोमिन की सोच होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के नबी, हर इबादत करने वाले को उसकी इबादत के मुताबिक दरवाजों से आवाज दी जाएगी, ठीक है, लेकिन क्या ऐसे भी कुछ अल्लाह के बंदे होंगे जिनको जन्नत के 8 दरवाजे से बुलाया जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हां अबू बकर, ऐसे भी कुछ बंदे होंगे जिन्हें जन्नत के 8 दरवाजे से आवाज दी जाएगी कि तुम यहां से जन्नत में आ जाओ, और अय अबू बकर तुम उनमें से होगे। सुभान अल्लाह भाई, ये हमारे और आपके ईमान का नमूना,
नबी अलैहिस्सलाम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत के सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे नेक, सबसे आला इंसान है, सबसे आला दर्जे के मुसलमान और मोमिन है, औलिया में सबसे ऊंचे हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। उनको मुकाम कैसे मिला? यह हदीस बतलाती है कि उन्होंने हमेशा इस बात की फिक्र की कि हर इबादत में कुछ ना कुछ हिस्सा लगना चाहिए, बल्कि हर इबादत में कमाल को पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। हाजिन गिरामी, यह हमारी इबादतों में पाया जाने वाला खलल है कि हम एक रूटीन के आदि हो गए। आज आप नोट करके देखिए, आज से 5 साल पहले हम जितनी इबादत करते थे, जो जो इबादतें करते थे, आज भी हम वही करते हैं। उससे आगे हम बड़े नहीं हैं, जिंदगी बढ़ गई, उम्र बढ़ गई, और हो सकता है दुनिया में, तिजारत में, माल में, इज्जत में, शोहरत में तरक्की कर गए, लेकिन हम अपनी इबादतों में आगे ना बढ़ सके। जिंदगी का असल मकसद तो यही बंदगी थी ना, जिंदगी का असल मकसद तो अल्लाह ताला की बंदगी में तरक्की करना था ना, तो फिर हम और आपने ऐसा क्यों मान लिया है कि हम एक इबादत कर रहे हैं उसी पे हम रुके रहेंगे? हाजिन गिरामी, हमारी इबादतों में पाया जाने वाला ये खलल है कि हम एक रूटीन, कुछ इबादतों को मुंतखब करने के बाद उसी पर अपने आप को रोक चुके हैं। दीन के अंदर जो अलग अलग इबादतें हैं, और इबादतों में फराइज के बाद जो मसनून इबादतें, सुन्नत के दर्जे की इबादतें, उनको अपनाने में हमारे अंदर बड़ी कोताही है, बड़ा खलल पाया जाता है। और जब तक हम और आप इस खलल को दूर नहीं करेंगे, हम और आप कमाल के दर्जे तक जाने की कोशिश नहीं करेंगे, वाकई मानों में हमारी जिंदगियों में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह से कुर्बत, अल्लाह से नजदीकी, और अल्लाह तबारक व तआला से नजदीकी के नतीजे में हमारी जिंदगी में सुकून, इत्मीनान, तसल्ली, परेशानियों से छुटकारा, मसाइल से आजादी, और आखिरत से पहले एक बेहतर जिंदगी हम और आपका मुकद्दर नहीं बन सकती है। हम चाहते हैं दुनिया की बहुत सारी चीजें, दौलतें हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमारी और आपकी खुद की इसलाह की फिक्र करनी चाहिए, उस फिक्र से हम और आप आजाद नजर आते हैं। हाजिर गिरामी, इबादतों में जो खलल पाया जाता है उसकी ये दो बड़ी अहम शक्लें हैं जो हमारे और आपके समाज में पाई जाती हैं, कि हम जमे हुए हैं एक रूटीन पर, एक मामूल पर, और उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। हालांकि कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, अब तक गफलत हुई, आज नहीं होनी चाहिए, अब तक कोताही हुई, इसके बाद नहीं होनी चाहिए, अब तक कमी रही, इसके बाद वो कमी पूरी होनी चाहिए। एक अपने आप से मुआहदा होना चाहिए, अपने नफ्स का मुहासबा होना चाहिए, अपने आप से एक किस्म का चैलेंज होना चाहिए कि मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। और दो तरीके से, एक तो फराइज से आगे बढ़कर सुन्नतों में बहुत आगे बढ़ो, और दूसरी तरफ एक ही किस्म की इबादत न करके हर किस्म की इबादतों में कुछ ना कुछ हिस्सा लगाने और लेने की कोशिश करो। हाजिन गिरामी, ये हमारी इबादतों में पाए जाने वाले खलल की एक नुमाया शक्ल है जिसकी इसलाह हम और आपको करनी चाहिए। हमारी इबादतों में एक और खलल पाया जाता है, और ये खलल हमारे आम लोगों के अंदर नहीं, हम तो अल्लाह रहम फरमाए हमारे अमल में बड़ी कमी है, हम बड़े बेअमल इंसान हैं, बड़े कोताही इंसान हैं, हमारे अमाल में बड़ी इसलाह की जरूरत है। अगली जो बात मैं बताने जाऊं ये आम लोगों से मुताल्लिक नहीं, ये उन लोगों के लिए जो पहले ही इबादतों में पीछे हैं, मुझको, मेरे और आप जैसे लोगों का मामला नहीं, लेकिन अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो बड़े इबादत गुजार हैं लेकिन वो अपनी इबादत करने में खलल का शिकार हैं। जो लोग बेअमल हैं, कम अमल हैं, या कोताही का शिकार हैं, उनके लिए बहुत सारी बातें मैंने इस खुतबे या इससे पहले वाले खुतबात में भी कही हैं, लेकिन जो बात अब आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं ये उन बाज लोगों की है, खास तौर पर हमारे अपने बुजुर्ग, हमारे अपने नेक लोग जो बड़ी उम्र के हैं, उनके अंदर ये खलल पाया जाता है, और इस खलल को हम और आपको सही अंदाज से समझने की जरूरत है। और वो खलल है इबादत में गुलू कर जाना, जहां एक तरफ गुलू है, कमी है कि लोग एक तरफ कोताही का शिकार है, वहीं बाज लोग इबादतों में बड़े गुलू के शिकार हैं। और इबादत में गुलू क्या होता है? देखें, आप एक बात याद रखें, इस्लामी शरीयत ने हम और आपको फराइज का मुकल्लफ किया जो पढ़नी है हमको हर हाल में, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नतों का हुक्म दिया, हर इबादत में तकरीबन फर्ज के बाद उसी कबील की सुन्नत हम पर है। हम अगर सिर्फ उन इबादतों की पाबंदी कर लें, हम अगर सिर्फ उन इबादतों की पाबंदी कर ले जाएं,
तो हमारी और आपकी दुनिया में इबादत के लिए बातें काफी हो जाएंगी। जितनी इबादतें अल्लाह ताला ने मशरू करार दी हैं उतनियों की पाबंदी कर लें तो काफी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको इस्लामी शरीयत की सिखाई हुई इबादतें नाकाफी नजर आती है, वो उससे आगे बढ़कर इबादत करना चाहते हैं, उससे भी आगे बढ़कर इबादत करना चाहते हैं। इस्लामी शरीयत आपको यह बतलाती है, कहती है कि देखो इबादत उतनी करो जितनी अल्लाह ताला ने तुम्हें ताकत दी और अल्लाह ताला ने तुम्हें जितने का मुकल्लफ किया। शरीयत में मुतय्यन करदा इबादतों पर मेहनत करोगे, जितनी मेहनत करोगे उतना अजर तुमको मिलेगा। लेकिन अगर शरीयत इस्लामिया में मशरू करार दी गई इबादतों से हटकर नई इबादतें निकालने की कोशिश करोगे या हद से आगे बढ़कर इबादत करने की कोशिश करोगे तो फिर इस्लामी शरीयत की नजर में यह पसंदीदा चीज नहीं। नई इबादतें जिनको हम और आप बिदातें कहते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इबादत के नाम पर जो शरीयत में इबादतें हैं उनसे आगे बढ़कर ऐसी ऐसी इबादतें ईजाद कर लेते हैं, इबादत के नाम पर ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसका इस्लामी शरीयत में कोई तज़किरा नहीं। मिसाल के तौर पर जिक्र के नाम पे, अज़कार के नाम पर आज आप देख लीजिए लोगों के पास ऐसे ऐसे विर्द हैं, ऐसे ऐसे वजीफे हैं, ऐसे ऐसी जिक्र की शक्लें हैं, ऐसी ऐसी जिक्र की सूरतें हैं, इस्लामी शरीयत में उनका कोई सबूत नहीं, कोई दलील नहीं। एक तरफ फराइज और सुन्नतों की यह लंबी फहरिस्त है, इसमें पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं? अगर आप इस पे पूरे उतर जाते हैं अल्लाह ताला के पास बंदगी के दर्जे को आप पा रहे हैं। इससे आगे बढ़कर नए नए वजीफे इख्तियार करना, लोगों के पास तस्बीहात 1000 तस्बीह का, 10000 तस्बीह, 1,00,000 तस्बीह, आप पता नहीं देखेंगे इतने लोगों के पास इबादत के नाम पर इजाफे हैं। अल्लाह रहम फरमाए, ये लोगों की तरफ से याद रखना, हमेशा शैतान इंसानों को दो रास्तों से गुमराह करता है और दोनों रास्तों में वह कामयाब इस तरह होता है कि वह हक और हकीकत से हटा ले जाता है, या तो आदमी को पीछे कर देता है, इबादत करने नहीं देता, इबादत से गाफिल करता है, जैसे आम लोगों का मामला है। लेकिन शैतान बड़ा अय्यार है, बड़ा मक्कार है, बड़ा चालाक है। जब देखता है कि किसी को इबादत बहुत ज्यादा पसंद है और इसे इबादत से पीछे हटा नहीं सकता तो इबादत के नाम पर मशरू और मसनून इबादतों से आगे लेकर चला जाता है और ज्यादा इबादत के नाम पर गुलू का शिकार करवा देता है। क्यों? इसलिए कि जब बंदा गुलू का भी शिकार होता है तो जो इबादत मतलूब थी उससे तो हट गया, उससे आगे निकल गया। इस तरह शैतान या तो आदमी को कोताही के रास्ते गुमराह करता है या फिर हद से तजावुज करने के नाम पर गुमराह करता है। इसीलिए वो चार या तीन आदमी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजवाज मुतहरात के पास, पूछा अल्लाह के नबी क्या इबादत करते हैं? माहतुल मुमिनीन ने बताया अल्लाह के नबी घर में क्या कुछ करते हैं। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम की इबादतों का तज़किरा सुनने के बाद इन लोगों ने हिसाब लगाया, कहा हम मस्जिदों में इतनी इबादत देखते हैं और घर में अल्लाह के नबी इतनी इबादत करते हैं, नबी होकर अगर आप इस कदर इबादत करते हैं, आम इंसान होकर हमें इससे ज्यादा इबादत करनी चाहिए। ये देखिए, ये वही रास्ता, ये जो इबादतों में खलल का जो दूसरा रास्ता है, जो लोग इबादत गुजार हैं, नेक हैं, नेकी का लालच है उनके अंदर, तड़प है नेकी की, शैतान इस रास्ते से उनके पास दाखिल होता है, ऐसे अमाल उनसे करवाना चाहता है जिनका कोई सबूत नहीं। ऐसा जिक्र, ऐसे वजीफे और ऐसी ऐसी नमाजें जिनका कोई सबूत नहीं, ऐसे नई नई नमाजें, नए नए अजकार का पाबंद उनको कराना शुरू करता है। उन तीनों ने क्या कहा? एक ने कहा मैं रात भर पूरे इबादत ही करूंगा, कभी सोऊंगा नहीं। एक ने कहा मैं कभी शादी करूंगा नहीं कि बीवी बच्चों का जंजाल हो, हमेशा इबादत में लगा रहूंगा। तीसरे ने कहा हर दिन रोजा ही रखूंगा, बगैर रोजे के कोई दिन नहीं गुजारूंगा। नबी अलैहिस्सलाम को पता चला तो आपने ये नहीं कहा कि बहुत अच्छे बहुत इबादत कर रहे हो? कहा नहीं। फमन रगीब अन सुन्नती फलैस मुन्नी मिन्नी, कहा देखो मैंने जितनी इबादत कर ली है वहीं तक तुम्हें रुक जाना है। इस सुन्नत से आगे बढ़ने की बात करोगे तो तुम मुझसे नहीं, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। भाइयों याद रखना, इबादत के नाम पर ऐसे हद से तजावुज करना, नई नई बिदातों पर मबनी नमाजें, नई नई बिदातों पर मबनी जिक्र अजकार, वजीफे और तरह तरह के तरीके इबादतों के ईजाद करना, यह इबादत में खलल है, यह इबादत नहीं, यह इबादत में कमाल को पहुंचना नहीं, इबादत के दायरे से बाहर निकल जाना है।
हम अल्लाह के बंदे हैं, हम नबी अलैहिस्सलाम की इबादत इबादत के तरीके पर करेंगे। हाजीन गिरामी, इबादतों में जो गुलू है उसकी और भी कई शक्लें हैं, दो तीन शक्लें मैं आपके सामने गिना देता हूं। एक शक्ल ये भी है कि इस्लामी शरीयत हम और आपको हुक्म देती कि देखो फराइज की पाबंदी करो, फराइज के बाद जो भी मसनून इबादत करते हो, चाहे नमाजों की शक्ल में, कुरान की तिलावत की शक्ल में, उतनी करो जितनी तुम्हारे अंदर ताकत और इस्तेआत है और जब तक तबीयत आमादा है। तकलीफ में अपने आप को मुबतला करके हद से तजावुज कर जाओ, इस्लामी शरीयत को यह पसंद नहीं है। आप एक बात देखो, हजरत उकबा इब्ने आमिर रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं, उकबा इब्ने आमिर रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि मेरी बहन ने नजर मानी कि वो पैदल चल के जाएगी और हज करेगी। उसने नजर मानी कि मेरा फलां काम अगर हो गया तो मैं पैदल चलकर जाऊंगी और जाकर अल्लाह ताला के घर का हज करूंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस खातून ने अपने भाई उकबा इब्ने आमिर के जरिए पूछला भेजा कि अल्लाह के नबी, मैंने ये नजर मानी थी, मेरा काम पूरा हो गया, अब क्या जो नजर मैंने मानी थी वैसे ही पूरी करूं, पैदल चल के जाके हज करूं? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, अपनी बहन को जाके बता देना, तुम्हारी बहन ऐसी मशक्कत में खुद को मुबतला करे, अल्लाह ताला इससे बेनियाज है, अल्लाह को इसकी जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला को इसकी जरूरत नहीं। उससे कहो कि जानवर पे सवार होकर जाए, जाकर तवाफ करे, सही करे, जो हज करना इबादत कर ले, अलबत्ता नजर जो मानी थी उसके बदले में जाकर तीन दिन का रोजा रख के कफारा अदा कर ले। भाइयों, इस्लामी शरीयत के अंदर यह बड़ा अहम मसला है कि इबादतों के नाम पर आप अपने तौर पे नए नए काम निकालेंगे, इस्लाम को पसंद नहीं है ये। अब आप देखें, ये खातून पैदल चलकर जा रही है, अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने इस्तेआत दी है जानवरों पे सवार होकर आओ, या तो मिनकुल, या सूरह हज में अल्लाह ताला ने कहा यतीन मिनकुल लिफजिन अमीक, सवार होकर दूर दराज के रास्तों से ये लोग आते हैं और आकर हज करते हैं, सवार होकर हज करो। खामखा अपने आप को पैदल चलाने पे मजबूर करना, जैसे बहुत सारे लोग आज के दौर में करते हैं। अगर किसी बंदे को इस्तेआत नहीं है, किसी बंदे को इस्तेआत नहीं है और वो आदमी सारी जिम्मेदारियों से आजाद है, सफर करता हुआ जाता है, जाकर पहुंचता है, जैसे भी पहुंचे हज हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आजकल एक फैशन बना चुके हैं, वो पैदल हज के लिए निकले। किसने कहा था आपको कि पैदल हज पे निकले? साल भर अगर आप पैदल यहां से वहां जाते हैं, वहीं साल भर कहीं मेहनत उजरत करेंगे, इतना पैसा तो कमा ही सकते हैं कि आप सवार होकर जाके हज करें। आप एक साल भर मेहनत करें, अपने घर बार बीवी बच्चों के साथ रहें, उनकी जिंदगी में उनकी आंखों के सामने रहें, और उससे आने वाली जो उजरत होगी उससे आप हज करें। आज मुमकिन है, जो इम्कान रखते हुए खुद को मशक्कत में डालना, खुद को तकलीफ में मुबतला करना, पैदल हज के नाम पर निकल जाना, और उस पर एहतमाम यह होता है कि पता नहीं बंदे का इखलास कैसे महफूज रह पाएगा। जिस जिस रास्ते से गुजरता है लोग इस्तकबाल करते हैं, फूल के हार डालते हैं, सब खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसी कैफियत के साथ पहुंचने वाले बंदे के इखलास का मामला क्या होगा, अल्लाह ही जाने। इतनी दुनिया के सामने मैं पैदल हाजी बनकर जा रहा हूं तो अल्लाह ताला के पास पहुंचने तक मेरे इखलास का क्या हाल होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। भाइयों, इखलास बहुत मुश्किल चीज है। सलफ सालहीन में से बाज कहते थे, हर वो अमल जो मैंने अल्लाह के लिए किया लेकिन लोगों को पता चल गया, मैंने उस अमल को अमल समझना ही छोड़ दिया, इसलिए कि फिर उसमें इखलास बाकी नहीं रहता। ये सूरत हाल है, लेकिन हमारे और आपके समाज में ये सूरत हाल है कि इबादत के नाम पर ये नई नई शक्लें लोग ईजाद करते हैं। आपको पता है, माई उम्मुल मोमिनीन हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़ी इबादत गुजार खातून थी। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो देखा दो सुतूनों के दरमियान एक रस्सी बंधी हुई है। अल्लाह के नबी ने पूछा ये क्या है? लोगों ने बताया कि हजरत ज़ैनब बिन्त जहश उम्मुल मोमिनीन ने बांधने के लिए कहा है, वो रात में क़ियाम करती हैं, जब खड़े खड़े थक जाती हैं तो रस्सी का सहारा ले लेती हैं ताकि खड़े होने में मदद मिले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ये सही नहीं, हुल्लू, ये रस्सी खोल दो। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा जितनी देर खड़े होकर इबादत कर सकते हो खड़े होकर इबादत करो, अगर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है तो फिर बैठ जाओ, बैठ कर अपनी इबादत तुम करो। इस्लामी शरीयत की नजर में नए नए तरीके इबादत के नाम पर ऐसे ईजाद करना यह पसंदीदा चीज नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम खड़े होने के नाम पर रस्सी बांध लो, यह पसंदीदा अमल नहीं।
ताकत है जब तक खड़े हो सकते हो खड़े होकर पढ़ो, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो बैठकर पढ़ो कि फराइज के अलावा दीगर इबादतें सुन्नतें जरूरत पर आदमी बैठकर भी पढ़ सकता है। ये इस्लामी शरीयत का सिखाया हुआ अमल है। हाजिने गिरामी, ये हमारे और आपके जमाने में अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन हम और आपको दिया है उसको न समझने के नतीजे में आने वाला खलल है। एक और खलल भी आपके सामने मैं जिक्र करना चाहता हूं। हमारे समाज में एक खलल यह भी है कि इस्लामी शरीयत ने हम और आपको कुछ चीजों का पाबंद किया, कुछ चीजें फर्ज की हैं। जैसे नमाज है, नमाज की तो छूट इस्लाम ने नहीं दी, हर हाल में हमको पढ़ना है। लेकिन रोजा है और दीगर इबादतें हैं, इस्लामी शरीयत ने हम और आपको उस सिलसिले में छूट दी है। रुख्सत जहां मिलती है जरूरत पड़ने पर आदमी को रुख्सत को अपना लेना चाहिए। रोजे की हालत में आदमी सफर करे, रोजे की हालत में आदमी सफर करे और फिर उस सफर की वजह से इतनी तकलीफ में मुबतला हो जाए कि जिस काम के लिए निकला है वो काम मुतासिर होने लगे, तो फिर ऐसी सूरत में रोजा रखने के बजाय रुख्सत को अपना लेना और बाद में जाके रोजा रख लेना बेहतर है। आपको पता है हमारे समाज में हमारे अपने बुजुर्ग और हमारी अपनी खवातीन में एक माहौल है, वो क्या है? माह रमजान के वो रोजे रखी हैं, बीमारी की वजह से बसा औकात रोजे उन पर मुश्किल हो जाते हैं। इस्लामी शरीयत ने छूट दी है आपको कि आप रोजा छोड़ दें जब बीमार हैं, वाकई बीमार हैं तो रोजा छोड़ दें और बाद में चलकर कजा कर लें अगर आपकी तबीयत साथ देती है, या अगर इतने बीमार हैं कि आप रोजा नहीं रख सकते हैं तो फिर आप अपने रोजे का फिदिया दे दें। इस्लाम ने यह हुक्म दिया। लेकिन हमारे समाज में ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी कि बहुत सारे मर्द और ख्वातीन ऐसे हैं कि जो मशक्कत उठाकर रोजा रखेंगे, तकलीफ उठाकर रोजा रखेंगी। वो क्या? सब लोग रोजा रखें, मैं रोजे के बगैर रहना नहीं चाहता, रहना नहीं चाहती। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। इस्लामी शरीयत में ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि इन्नल्लाह युहिब्बु अन तुता रुखसुहु कमा युहिब्बु अन तुता अज़ाइमुहु, कि अल्लाह की दी हुई जो रुख्सतें हैं, जो छूट है, उनको अगर बंदा इख्तियार करता है तो अल्लाह को उतना ही यह बात पसंद आती है जितना वो बात जब अजीमत वाले काम करता है बंदा तो अल्लाह ताला को उसका अमल पसंद आता है। रुख्सत जो दी गई है उसको अपनाना चाहिए अगर वाकई माने में उसकी जरूरत पेश आए। एक मरतबा सफर में नबी अलैहि सलातु वस्सलाम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि लोग उसके ऊपर छतरी लेकर या साहिबान लेकर साया किए हुए लोग जमा हो गए हैं। लोगों ने पूछा, लोगों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया क्या मसला है, लोगों की भीड़ इकट्ठा है क्या है? कहा अल्लाह के नबी मुसाफिर है लेकिन रोजे की हालत में है, शाम होने होने तक थक कर बैठ गया है, अब लोग उस पर तरस खा के उस पर साया किए हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लैस मिनल बिर्रि सियामु फिस सफर, इतनी मशक्कत उठा के सफर में रोजा रखना कोई नेकी का काम नहीं है। लैस मिनल बिर्रि सियामु फिस सफर, ऐसी तकलीफ उठाकर रोजा रखना हालत हज़ा सफर में जब छूट है आपको, तो इस छूट को इख्तियार करने के बजाय अपने आप को मशक्कत में मुबतला करना, इतना कि एक जमाने के सामने आपका तमाशा हो रहा है, 10 लोग आपकी फिक्र में परेशान हैं, ऐसे इबादत करना अल्लाह ताला की नजर में कोई नेकी का काम नहीं। एक और सफर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अल्लाह के नबी सफर में निकले, बाद सहाबा रोजा रखे हुए थे और बाद सहाबा रोजा नहीं रखे हुए थे। आप ये मसला जान लें, सफर में रोजा छोड़ने की रुख्सत है लेकिन अगर कोई रखना चाहे तो रख सकता है जब तक कि उसका जो मकसद है वो मुतासिर ना हो, जब तक उसका मकसद है वो मुतासिर ना हो। हुआ ये कि कुछ सहाबा ने रोजा रख लिया, रुख्सत को इख्तियार नहीं किया, और कुछ सहाबा ने रुख्सत को इख्तियार किया और रोजा रख लिया। एक जगह पड़ाव डालने का मुकाम आया तो जैसे ही मंजिल पर एक जगह पहुंचे तो जो सहाबा रोजादार थे वो थक कर बैठ गए। और तभी चीज है, रोजेदार सफर करेगा थका मांदा बैठ गए। जो रोजा नहीं रखे हुए थे उन सहाबा ने आगे बढ़कर खड़े होकर खीमे लगाए, लोगों की जरूरतों का इंतजाम किया। नबी अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा तो कहा ज़हबल यौमल मुफ्तिरून बिल अजर, आज के दिन बगैर रोजेदार जो रोजा नहीं रखें वो लोग अजर के मामले में सबकत ले गए, आगे बढ़ गए। जिन लोगों ने रोजा नहीं रखा उन लोगों ने आज सबकत इख्तियार कर ली। ये कौन सी सूरत है? जहां इस्लाम ने रुख्सत दी है
आप रुख्सत इख्तियार करके अपने आप को भी दूसरों को भी आराम पहुंचा सकते हैं, अपनाइए। लेकिन अगर आप उस रुख्सत को भी कबूल करना नहीं चाहते, कहते हैं नहीं मैं यहां इबादत करके दिखाऊंगा, और मशक्कत में खुद भी पढ़ते हैं, दूसरों को भी मुबतला करते हैं, इस्लाम की नजर में यह पसंदीदा सूरत नहीं। हमारे समाज में खास तौर पर जो बीमार लोग हैं जिनको रुख्सत दी गई है वो मशक्कत उठाकर रोजा रखें, इस्लामी शरीयत की नजर में यह पसंदीदा नहीं। हां अगर आप बगैर मशक्कत के मुसलमानों के साथ ही रोजा रख लेना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ ही आप सफर में भी रोजा रखकर अपना रमजान मुकम्मल कर लेना चाहते हैं, मशक्कत में मुबतला हुए बगैर इस्लाम में आपको इजाजत है, छूट है। हाजिर ने गिरामी जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि देखिए अल्लाह की इबादत हमारी जिंदगी का सबसे अजीम अमल है। इस अजीम अमल को अंजाम देते हुए, इबादतों को अंजाम देते हुए हर किस्म के खलल और कमजोरी से हमें अपने अमाल को पाक रखना चाहिए। जब हमारी और आपकी इबादत हर किस्म के खलल से पाक होगी, सुन्नत के मुताबिक होगी, शरीयत इस्लामिया की तालीमात के मुताबिक होगी और उसके अंदर इखलास होगा तो यह इबादत हम और आपको बहुत ऊंचा उठा ले जाएगी, अल्लाह का बहुत महबूब और चहीता बना देगी, अल्लाह ताला का वली, अल्लाह का नेक बंदा हमको बनाएगी। और उतना ही नहीं, यह इबादत हमारी और आपकी दुनिया संवारने सुधारने का सबब बन जाएगी और आखिरत तो आबाद होगी ही, कामयाब होगी ही अल्लाह के फजल करम से, लेकिन आखिरत से पहले एक अच्छी जिंदगी, अच्छी दुनिया हम और आपको नसीब होगी। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात को, खवातीन को, तमाम सामईन को जो बातें इबादतों की इबादत के सिलसिले में आपके सामने रखी गई हैं इनको समझ कर इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको जो कुछ हम कहते सुनते हैं सही ढंग से समझने और अपनी जिंदगियों को में उनको अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जब तक दुनिया में रखे ईमान और इस्लाम पर कायम रखे और जब अपने पास बुलाए तो ईमान की हालत में बुलाए। आमीन व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।